विनय को है ना बेटे जैसा प्यार करना, मेरे को खाना मत देना, मेरे भाई को जरूर दे देना। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके, और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और तुम्हारा भाई जा रहा है आज जिम, और सुबह सुबह धुंध देखो कैसी हो रही है बाहर। ये देखो कैमरे में शायद इतनी क्लियर ना हो पर काफी ज्यादा हो रही है। मम्मी नमस्ते। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। सही बताओ और यहाँ क्या हो रहा है सुबह सुबह, क्या हो रहा है ना। ये देखो जी यहाँ हो रही है धुलाई, आपकी भी हो गया। आप भी बैठ जाओ इसमें भाभी, इसमें आपको बैठाऊंगी। आप बैठ जाओ इसमें, शक्ल धुल जाएगी थोड़ी सी। और यहाँ खाई जा रही है जिम जाने से पहले शकरकंदी। हम निकल गए जिम के लिए और सामने देखो रोड पे कितनी धुंध हो रही है, मतलब यहाँ से अगर थोड़ी देर देखना चाहे ना दूर तो भाई सब दिख ही नहीं रहा कुछ। बढ़िया मौसम हो रखा दिल्ली में फिलहाल, बेहतरीन, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा पसंद है, बेस्ट लगती है मुझे ठंड। ये पॉल्यूशन है वैसे? पॉल्यूशन है ये। अरे मर जाऊंगा भाई, पॉल्यूशन सांस नहीं आ रही। इतने दिनों बाद जिम जाके थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा यार कहाँ आ गए। और ये अपने विकास भाई हैं जिम के ट्रेनर, इनसे भाई चारों ऑन टॉप रहता है। मैं सामने देख रहा, मैंने कहा अरे ढीला सा कौन आ गया, मैं चल कोई नहीं। फिर मैंने अपने आप को साइड मिरर में देखा, मैंने ओम फो मैं बाइसेप्स तो कैड़ा लग रहा है लोंडे, क्या दिक्कत है। फिर जिम से आ चुके हैं हम लोग घर, अब खाएंगे डाइट में दलिया। ये रहा अपना दलिया, क्या चिल्ला रहे हो हैं? दलिया वहां तक आवाज आ रही है रसोई तक, दलिया ऐसे बुरी तरह खड़ी बोलते हैं। कंधे सीधे करो पहले। ओम फो, कहाँ जा रहे हो? बाहर कहाँ? धूप में। धूप में कहाँ पे? पार्क में। कौन है मम्मी वहाँ पे? लगाने दरवाजा। सेको धूप, ठंड के मजे लो, मूंगफली खा लो। ये देखो मैंने बेड में से निकाला मसाज करने वाला, अभी ये लोग पार्क से आ जाए फिर मम्मी की ना मसाज करूंगा, इससे जैसे शोल्डर में कभी कभी पेन हो जाता है ना तो बढ़िया रहती है। बड़ी जल्दी आ गए धूप सेक के हैं। सर में दर्द हो गया, धूप नींद आ रही थी वहाँ। अच्छा, लेकिन भाई साहब रोटी बनाने थी तो आना पड़ा, हमने चेयर पे सोने वाली थी कुर्सी। अब रोटियां बन रही है और सब्जी क्या आज? मटर मशरूम, भाई वाह। अब कर लेते हैं हम लंच और सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं भाभी पे। सर में दर्द हो रहा है। अच्छा सर में दर्द हो रहा है। करंट आ गया मेरे में। सर्वाइकल की दिक्कत लग रही है ज्योति को। अच्छा सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है भाभी आपको? लग रहा है वही निकलेगी। अरे सीधी बैठ रहो, सीधी बैठ जाओ चुपचाप। बाबू मेरी पूरी बॉडी में करंट आ गया। सर पे लगा दो एक बार। लग रहा है? ये लो निकल गया तार। वैसे तो बड़ा सही सा था। है मजा आ गया? मैं हिल रही हूँ फोन में। नहीं मेरे को लग रहा है मैं हिल रही हूँ। हाँ इस सर में कर दो। अच्छा लग रहा है? सर में करंट आ रहा है। कैसा लग रहा है? ओए मेरी खोपड़ी बाहर आ गई। ओए बाबू, अरे मेरा करंट कान में ना करा। और मम्मी के होता है हाथ में दर्द और हाथ की हो रही है मसाज, लेकिन है बहुत बढ़िया ये। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा। चलो सही है, हाथ का दर्द कम हो जाएगा। मत मार दे मेरे दांत निकल जाए। मेरे मुंह पे मत मार दे, मेरे दांत भी निकल जाए। सर का दर्द ठीक हो गया? भाई वाह, मजे आ गए। लाओ 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, चलो मसाज करने के। शाम हो चुकी है और भाभी ने बनाई है गर्मा गर्म चाय। क्या खा रहे हो? बादाम। कितनी खुश हो रही, सो के उठे हो ना आप, है ना? थक जाती है हमारी भाभी काम कर करके। इसमें क्या बना? बैंगन का भरता, क्योंकि मैं लेट हो रखी हूँ इसलिए बैंगन मैंने कुकर में डाल दिया। ओके देखो अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और मैं भाभी जी के लेने आया हूँ मोमोज। मोमोज ले लिए हैं, अब पहुँचते हैं घर। रात में देखो क्या मस्त धुंध हो रही है भाई साहब, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मस्त। ये लीजिए सरप्राइज। और पता है ना डर क्यों लग रहा है? मुझे पता है इन्हें लग रहा है कि घर वाले व्लॉग देख लेंगे बाद में, तो फिर यूं कहेंगे तू तो फिर खा रही है ना, है ना?
अरे लो खा लो, अच्छा चलो व्लॉग में नहीं डालूंगा, लो अरे लो लो हटा दूंगा पक्का, लो सबको सुना रहे हो तेज तेज बोल, तो कट कर दूंगा पकड़ो, अरे काट दूंगा यार ये लो, अब डालूंगा। और ये देखो ये भाभी जी के लिए अमित भाई स्पेशल बेल्ट लेके आए, क्योंकि पोस्टर ठीक करने के लिए। अरे यार ये क्या कर दिया, क्योंकि भाभी की गर्दन ना ऐसे रहती है थोड़ी सी यूं, तो इससे क्या पोस्टर थोड़ा यूं रहेगा, समझ रहे हो। क्या बात है भाई साहब आज तो। तो ये किधर को जाएंगे, ये पीछे जाएंगे यूं, हां तो लगा इसे। भाभी को समझ ही नहीं आया पहनने कैसे, अब YouTube पे वीडियो देख रहे हैं कि इसे कैसे पहने। और फाइनली सही तरीका मिल चुका है। ओ भाई साहब, भाभी कैसा लग रहा, गर्दन सीधी हुई, कंधे सीधे, ये जो झुक के चलती है ना, हाँ, अब हो गए सीधे से लग रहे हैं। चलना भाभी एक बार चल के दिखाओ ना। तेरी भाभी लग तो रहा है सीधे चल रहे हो, हल्का सा दिखाना चाहती है सामने, सीधे हो गए शोल्डर। अब तक जो गर्दन आपकी हट ना, अब तक जो भाभी गर्दन यूं होती थी ना यूं, वो यूं हो जाएगी, कंधे यूं जो झुक के चलती थी, हाँ यूं चलती थी, यूं देखो मैं चल के बताता हूँ, अब सीधी चलेंगे। Hey guys, good morning. अरे 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 अरे, ये क्या हो गया, तुम्हारे भाई ने करवा लिया कटिंग, अब जल्दी से बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। और यहाँ है भाभी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेल्ट का आपकी कंधे सीधे करने वाली, अरे भूल गई। और हमारी मम्मी जी कर रही है सिलाई। ओहो मम्मी, किसके कपड़े बना रही हो तुम इतने सारे, बुनाई। हाँ बुनाई बुनाई। भाई भाभी कह रही है कि इन्हें एक बात बतानी है आज, बताओ। अरे ये बात है, अरे बताऊंगी ना, बताओ। आज एक सच्चाई बताती हूँ आपको, बताओ सच्चाई। आज एक राज खोलती हूँ, बताओ। बता दो जल्दी, बताओ टाइम नहीं है मेरे पास फालतू का। जब मैं शादी करके आई थी ना भैया, हाँ पहली बार, हाँ तो आपके भैया ने मुझसे पता क्या बोला था, हाँ मेरे को खाना मत देना। क्यों? बस विनय को दे देना, मेरे को खाना मत देना, मेरे भाई को जरूर दे देना। मैं बोली ठीक है, देख लो ये होता भाइयों का प्यार। पता क्या बोले, हाँ विनय को है ना बेटे जैसा प्यार। अच्छा जी, हाँ ये होता भाइयों का प्यार। और एक राज की बात बताऊं। पता क्या हुआ था, जब आप रोटी खाते हो हाँ तो नीचे वाले निकाल लेते हो है ना, कौन मैं, ताकि आपके भैया गीली ना खाए, और जब वो खाते है हाँ। तो वो निकाल लेते ताकि आप गीली ना खाओ, मतलब दोनों को वो रहता है क्या, पता एक दूसरे को रहता है, देख लो उन्हें पता है सब, ये होता भाइयों का प्यार। तो आप तो मुझे नहीं देते रोटी टाइम से, ना बेटे की तरह प्यार करते बिल्कुल भी। मैं तो करती हूँ, बेटे को मारती नहीं है, चाटी चाटी। ये सिर्फ मेरे में ले दलिया है, बाकी हमने खा लिया। सही पकड़े। भाई एक बार फिर से बता दो तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, आज बड़े दिनों बाद कटिंग कराई है मैंने, काफी बाल बढ़ गए थे मेरे, मेरे ख्याल से तो हैंडसम लग रहा है तुम्हारा भाई। और भाभी जी ने निकाला है जूस, संतरे का जूस। कैसे निकाला इसमें, ऐसे लगाओ। अच्छा ये वही वाला है उस दिन वाला, हाँ बता ना, ऐसे लगाओ, हाँ संतरे को नींबू की तरह कट करो, हाँ इसमें मसल दो। और ये जूस तैयार है। कितने रुपए ग्लास है आंटी, आंटी मुदा। आंटी कितने रुपए ग्लास है, 10 रुपए ग्लास। और आज हमने किया AVR प्रैंक टीवी का शूट, हम लोग अभी घर पे आए, मतलब आपने सुबह व्लॉग देखा था, उसके बाद मैं शूट पे चला गया था। अब भाभी जी सो गई हैं, हम आए तो वापस अमित भाई और मैं, और इसलिए खाना आज हमें गर्म करना पड़ रहा है। तो आज बनी है घर में अरबी की सब्जी, जो कि ज़्यादा खास मुझे लगती नहीं है, आपको कैसी लगती है अरबी की सब्जी बताओ। AVR पे भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, मेरे ख्याल से 30 या 31 में आ जाएगी। ये मैंने बिछा दिया है, आराम से बैठ के खाएंगे इस पे, जिससे गिरे ना। बेटा कुंभकर्ण, ओ बेटा कुंभकर्ण। बेटा ज्योति कुंभकर्ण। हमने डराना है ना, खाना खा लो, खाना खा लो। मैंने खाना खा लिया, खाना खा लिया, चलो तो सो जाओ। अच्छा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ढक लो भाई ढक लो। नींद खराब कर दी, गुस्सा देखो नींद खराब करने के ऊपर। हम घूमने का प्लान कर रहे हैं कश्मीर या डलोजी साइड, अब ये उठ ही नहीं रही है और बात ही नहीं कर रही, तो हम क्या करें भाई, नहीं लेके जाएंगे बाबू। ही नहीं ले जाना चाह रहा, मैं क्या करूं। पक्का चलोगी, बताओ कहाँ चलोगी, डलोजी या कश्मीर। अपने घर, अपने घर जाना, कहीं नहीं जाना घूमने,
तो ठीक है भाई, इन्हें इनके घर छोड़ो, हम चलते हैं लड़के लड़के घूमने। ठीक है ठीक है, अपने घर जाओ। तो आप दोनों यही रहोगे घर पे? क्यों, हम तो जाएंगे घूमने। हम क्या आपके हिसाब से रहेंगे? पागल समझ रखा है क्या? साथ जाऊंगी ना, हम ना लेके जा रहे। तो बताओ कहाँ चलोगे? बैलो डलोजी कैसा बताओ? डलोजी जाने का सोच रहे हम। फिर उसके बाद है ना, मेरे को अपने घर छोड़ाना रास्ते में। अरे छोड़ाएंगे तुम्हें घर, और तुम कहो तो जाते हुए छोड़ देंगे, ज्यादा बन जाओ हीरोइन। मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ हाँ चले जाना, जाओ अंदर रुकोगे? घरवाली भेजती खुलवाना कम्बल। और इस व्लॉग की मुझे एडिटिंग भी करनी है। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर। भाभी क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लव यू सबको। रोम रोम जी, ऐसे ही प्यार बनाए रखो व्लॉग्स पे, मतलब व्लॉग्स पे ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और शेयर कर दिया करो, वीडियो को देखा करो, वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो अपने फ्रेंडों में, ग्रुप में, और ऐसे ही सर्दी में मजे लिया करो। ठीक है, बाय बाय।